हेलो फ्रेंड्स, मोमसी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च आलू गोभी की सब्ज़ी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, टेस्टी है। वैसे तो गोभी को हम बहुत तरीके से बनाते हैं, पर आज हम इसे कुछ कुछ ढाबा स्टाइल बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आलू गोभी शिमला मिर्च को काट कर धो लें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा प्याज, 2 टमाटर कटे हुए, हरा धनिया, सरसों का तेल, नमक, हल्दी, देगी मिर्च और मैजिक मसाला ले लें, 2 खड़ी लाल मिर्च, 7-8 काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा ले लें। अब हम पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सरसों के तेल में सब्ज़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो जब भी आप कोई मसाले वाली सब्ज़ी बनाएं तो आप सरसों का तेल ही यूज़ करें। तो तेल गर्म हो चुका है, अब आप इसमें खड़े मसाले डाल दें और उसे हल्का सा फ्राई करें। हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद अब आप इसमें प्याज को डाल दें। प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लें। उसके बाद अब आप इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल दें। यहाँ मैंने अदरक और हरी मिर्च को काट कर डाला है क्योंकि मुझे ऐसे ही टेस्टी लगता है। अगर आपको उसका पेस्ट डालना है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने अदरक और हरी मिर्च डाल दी है। अब आप इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लें। जब प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तब आप इसमें नमक, हल्दी और देगी मिर्च डाल दें। तो ये देखिए हल्का सुनहरा हो चुका है। अब हम इसमें नमक, हल्दी और देगी मिर्च डाल देंगे। देगी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए यहाँ मैंने देगी मिर्च यूज़ की है। तो अब इसे मसाले के साथ मिक्स करें और साथ में टमाटर डाल दें और इसे भी मसाले के साथ 1 मिनट के लिए भून लें। अब टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसे 2-3 मिनट तक कवर कर दें। ये भाप में अपने आप ही बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो 3 मिनट हो गए हैं, अब हम टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब तेल छोड़ने तक मसाले को अच्छी तरह से भून लें। अभी हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब आप इसमें सब्जियों को मिला दें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि सारी सब्जियों में मसाला अच्छी तरह से लग जाए। तो ये देखिए इस तरह से इसे आप पलट कर अच्छे से मसाले में मिक्स करें और इसे अब ढक कर पकने के लिए रख दें। पानी को बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है या फिर पानी के छींटे ही देने हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से हमारी गोभी गिर जाती है या फिर ज़्यादा पक जाती है और फीकी रह जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इसे कवर कर दें और 4 मिनट बाद इसे फिर चेक करें। 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये सब्जियों में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब आप इसे इस तरह से पलटते भी रहिए ताकि हर तरफ से सब्ज़ी पक जाए। अब इसमें अगर थोड़ी ज़रूरत महसूस हो रही हो तो थोड़ा सा पानी डाल दें, नहीं तो आप इसे यूं ही ढककर भाप में 5 मिनट के लिए और पका लें। 5 मिनट होने वाले हैं, हम फिर से सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी में पानी एकदम से ड्राई हो चुका है और सब्जी को देखने से लग रहा है कि ये पक चुकी है, फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप एक आलू को चेक कर लीजिए, अगर आलू गल गया है तो आपकी पूरी सब्जी गल गई है। तो ये आलू अच्छे से कट गया है और गोभी को मैंने इस तरह से चेक किया है। तो ये हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला और हरा धनिया पत्ती डालकर 2-3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे। तो ये मैंने मैजिक मसाला डाल दिया है, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस इसे 2 मिनट तक और इस तरह से पका लें और फिर एक बाउल में शिफ्ट कर लें। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और एक बाउल में मैंने इसे ऐसे शिफ्ट कर दिया है। इसे देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये ढाबा स्टाइल बनी है। इसे आप पूड़ी के साथ खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगी और इसे हरे धनिए के साथ आप गार्निश कर लें। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो आपके बच्चों को, दोस्तों को, सबको ही बहुत अच्छी लगेगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव शेयर करें और मेरे के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।